एमपी व्यापम घोटाले में सीबीआई ने एक और चार्जशीट दाखिल कर दी है। पीएमटी 2012 को लेकर नई चार्जशीट में 592 नाम हैं। इनमें 245 नाम नए जोड़े गए हैं। आरोपियों में व्यापम के तत्कालीन डायरेक्टर और सिस्टम एनालिस्ट समेत चार पूर्व अफसरों के साथ भोपाल के चार बड़े प्राइवेट कॉलेजों चिरायु, पीपल्स, एलएन और भोपाल मेडिकल कॉलेज के चेयरमैनों को भी आरोपी बनाया गया है। व्यापम घोटाले में नई चार्जशीट पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को लेकर घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीआई सीएम शिवराज को क्लीन चिट दे चुकी है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज को बचाने के लिए हार्ड डिस्क में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये आरोप भी सीबीआई खारिज कर चुकी है। नई चार्जशीट में 22 बिचौलियों 46 एग्जामिनेशन कंट्रोलरों के भी नाम है। पहली चार्जशीट में 490 लोगों के नाम थे। इंदौर का एमवाई सरकारी अस्पताल कल की आग के बाद फिर सवालों के घेरे में आ गया है। आग की वजह से आईसीयू में भर्ती बच्चों की जान पर बन आई थी। आग दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आईसीयू में उस वक्त 40 बच्चे भर्ती थे, जिन्हें पुलिस और फायर ब्रिगेड के 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने निकाला। जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। एमपी के हरदा में एक बुजुर्ग महिला ने एक पुलिस कांस्टेबल पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने एसपी ऑफिस जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला के मुताबिक उसकी उंगली टूट गई तो कांस्टेबल ने ही मरहम पट्टी करवाई, पर मुंह नहीं खोलने को भी कहा। पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल एक मामले में पुलिस के पति की तलाश करने उसके घर पहुंचा था। एमपी के सत्ता में 5 साल के एक बच्चे ने अपनी मां की मौत पर पिता के खिलाफ गवाही दी है। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां को पापा, दादी और बुआ ने बुरी तरह से पीटा था। कंप्यूटर ऑपरेटर रिंकी को कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। बेटे के बयान पर पुलिस ने एफआईआर लेकर जांच शुरू कर दी है। एमपी के केंद्रीय स्कूल की छात्राओं ने सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखकर स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाने की मांग की है। चिट्ठी इमोशनल है। छात्रों ने शिवराज को मामा संबोधित किया है और लिखा है कि शराब दुकानों पर खड़े लोग बद्दे कमेंट करते हैं, आपकी भांजियां स्कूल कैसे जाएं? स्कूल का कहना है कि जिला प्रशासन नहीं सुन रहा, तभी सीधे सीएम को चिट्ठी लिखी गई है। एमपी के सिवनी मालवा के अर्जुन वार परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपने बेटे को पाकिस्तान से रिहा कराने की मांग की है। जितेंद्र अर्जुन वार अगस्त 2013 से पाकिस्तान की जेल में है। उसे खोकरापार इलाके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था। अर्जुन दिमागी तौर पर बीमार है, वो लापता हो गया था। परिवार इससे पहले राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री शिवराज को भी चिट्ठी लिख चुका है। सांड के हमले में एक विदेशी की मौत के बाद जयपुर नगर निगम अब हरकत में आई है। नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाकर जयपुर में 2 दर्जन पशु डेयरियों को सीज कर दिया। करीब 150 मवेशियों को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला पहुंचा दिया। अर्जेंटीना के जॉन पाब्लो की एक सांड के हमले से मौत हो गई थी। इस हमले में जयपुर नगर निगम के 3 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। अजमेर में व्हाट्सएप पर विधायक को अपशब्द कहने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन नसीहत देकर छोड़ भी दिया। आरोपी खुद भी बीजेपी नेता है। विधायक शंकर सिंह रावत ने उसके खिलाफ फोन पर धमकी देने की शिकायत की थी। आरोपी श्रवण भाटी का कहना है कि धमकी भरा पहला फोन खुद विधायक ने किया था। फोन कटने पर उसने कॉल लगाया था।